हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी धमाकेदार वीडियो में। और दोस्तों, हम लेकर आए हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम इस बार आपको दिखाने वाले हैं अपलोड स्पीड टेस्ट। और दोस्तों, हम जानेंगे रियल टाइम में, इवन मैं खुद अपने आप देखूंगा फर्स्ट टाइम, कि क्या 4 GB की फाइल मेरे गूगल ड्राइव पर स्पीड से अपलोड होती है या नहीं। दोस्तों, तो बिना देरी करे मैं रजत, रजत टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे समझने के लिए फर्दर मुझे अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा, तो चलते हैं फटाफट से लैपटॉप की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। और दोस्तों, यहां पर ये फाइल है, ये विंडोज 10 की। मैं आपको जरा प्रॉपर्टीज में जाके दिखा दूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज में आपको जरा सा मैं ऊपर करके दिखाऊं, फोकस करो इस पर। 3.82 GB, लगभग 4 GB की ये फाइल है दोस्तों। और ये एक सफिशिएंट फाइल है अगर आप गूगल ड्राइव या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जिसमें आपको अपलोड स्पीड मैटर करती है। तो दोस्तों, ये एक रियल अपलोड स्पीड टेस्ट होने वाला है और आप काफी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि क्या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके लिए बेहतरीन अपलोड स्पीड दे पाता है, जैसे कि उसने मेरे प्रीवियस डाउनलोड स्पीड में इसमें दी थी दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये गूगल ड्राइव पे हम आ चुके हैं और मैंने एक सेपरेट फोल्डर बना दिया इसमें एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर अपलोड स्पीड टेस्ट करके। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी फाइल नहीं है, तभी यहाँ लिखा रहा है ड्रॉप फाइल्स हियर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसी फाइल को जो 4 GB की फाइल है उसे अपलोड करूंगा और देखेंगे कि कितने टाइम लेता है, कितने आवर्स या कितने मिनट्स लेता है वो कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट होने में दोस्तों। तो फटाफट से देखते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये फाइल ड्रॉप कर दी है यहाँ पर और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग अपलोड हो गया है 1 hour 30 minutes। और देखते हैं कितनी फास्ट इसने स्पीड कम कर दी और बहुत तेजी से दोस्तों, 1 hour 14 minutes कुछ दिखा रहा था और सडनली 30 minutes से भी कम टाइम लिखा आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये 30 minutes से भी काफ़ी पहले ये हो जाएगा, जैसे कि मैंने देखा है अभी तक 1 GB और 2 GB की फाइल इसी अपलोड करी है मैंने, इससे ऊपर की वीडियोज़ अपलोड नहीं करी है मैंने यूट्यूब पर भी। सो गूगल यूट्यूब सब एक ही प्लेटफॉर्म है। देखते हैं दोस्तों कैसा रिजल्ट निकल कर आता है। 11:24 के आसपास टाइम हो रहा है और 28 मिनट दिखा रहा है, अब 29 मिनट हो गया है। 4 GB की फाइल मैटर करती है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो करी होंगी तो आप जानते हैं मैंने सबसे मिनिमम 499 वाला प्लान ले रखा है और 499 वाला प्लान जो है केवल 40 MBPS की स्पीड ऑफर करता है। और 40 MBPS की स्पीड जो है वो 600 का प्लान है, GST मिला के 598 का बैठता है, 589 का बैठता है। आके हम देखते हैं स्पीड टेस्ट क्या रिजल्ट देकर आता है। मैं खुद भी दोस्तों काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने भी ये 4-5 GB की फाइल अभी तक अपलोड नहीं करी है। मुझे जनरली जो फाइल्स अपलोड करता हूँ मैं इंटरनेट पे, वो जनरली वीडियोज़ ही है मेरी, जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब पे। और 1.5 GB या 1 GB के आसपास की फाइल होती है उसको लगभग लगभग 15 मिनट के आसपास अपलोड कर देता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। कभी कभी दोस्तों डाउन टाइम आ जाता है, वो बहुत ही रेयर केस है, उसमें हाफ एन आवर लग जाता है। अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम 10-15 मिनट्स में 1 GB की फाइल आराम से अपलोड कर देता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। बट ये 4 GB की फाइल लगभग 4 times बड़ी है उस फाइल से। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी 22 मिनट पे आप देख सकते हैं 21 मिनट पे आ गया है और 11 एक्चुअल टाइम जो है 11:24 पे हमने शुरू किया था, अगर आपने उस समय गौर फरमाया होगा तो 11:24 से 11:25 पे आ चुका है, 2 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों और तो मेरे ख्याल से कोई डिटेल्स दिखाएगा नहीं है, और डिटेल्स कुछ नहीं दिखाएगा। सो 22 मिनट है, वेट ही कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ सर्कल थोड़ा सा आगे आ गया है। We'll be right back.
दोस्तों जैसे कि आपने देखा 11:49 पे हमारा ये अपलोड कंप्लीट हो चुका है। WinRAR फाइल जो विंडोज 10 की फाइल थी लगभग 3.82 GB 4 GB की आप मान सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 25 मिनट का टाइम लिया हमारे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 499 वाले प्लान ने, जो कि 40 MBPS की स्पीड ऑफर करता है। और इस हिसाब से दोस्तों मैं कहूँगा ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। इवन दोस्तों अगर आप चाहें तो मैं दो लैपटॉप्स को या दो डिवाइसेस को साथ में रख के भी अपलोड स्पीड टेस्ट दिखा सकता हूँ आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक ऐसे कंपैरिजन में तो आप मुझे कमेंट से बताएं अगर आपको ऐसा कंपैरिजन देखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो। दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों एक और कमाल की धांसू वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें चैनल को, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन और हमारे बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने से ही हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एंड ऑसम वीडियोस लाने में दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।